हेलो तो साथियों कैसे आप सभी मैं हूं आज एक बार फिर से आपके अपने परिवार यूपी एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ चलिए एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और एक बार जितने भी साथी एक बार सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों को भी बताइए कि क्लास हो रही है हम लोगों की इस तरीके से हमने बोला कि चार दिन आपका पीवाई रहेगा तो आज हम लोगों का देखिए चल ही रहा है चलिए एक बार बिल्कुल चार दिन का मैंने बोला था आपका पीवाई रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल सभी लोग देखिएगा अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ो तो आप सभी जुड़ जाइए स्कैनर के माध्यम से स्कैन स्कैन कर कर लीजिए लीजिए जिससे आपको पीडीएफ वगैरह यहीं पर डियर मिलती रहेगी ठीक ना आपको पीडीएफ यहीं पर मिलेगी और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन या कोई भी आने वाले टाइम पे क्विज वगैरह होगा तो सब कुछ आपको यहीं मिलता रहेगा ठीक है भैया कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए कोई दिक्कत नहीं ना तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने चलिए देखिएगा यहाँ से बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने बोल कर रहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने बोला दी गई आकृत के उस सही दर्पण प्रतिबिंब अब देखो कुछ मत करिए जब दर्पण की बात होगी तो कुछ ना करना सिर्फ आप क्या करिएगा लेफ्ट की चीज कहाँ दिखेगी राइट right में दिखेगी और राइट right की लेफ्ट बोले तो बाएं की चीज कहां दिखेगी दाहिने दिखेगी और दाहिने की चीज कहाँ दिखेगी बाएं दिखेगी बस इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट बाएं की चीज दाहिने दाहिने की चीज बाएं अब ये बताओ ये वाला जो ट्रायंगल है भाई साहब इस साइड बनेगा नीचे ही रहेगा लेकिन इस साइड बनेगा देखो इस साइड बनेगा तो यहां से आपका ऐसे बनेगा ऐसे स्टार्ट होगा अब इसमें देखिए इन्होंने गलत किया इसमें सही है ये इसमें सही इसमें सही कोई दिक्कत ना आपका ये इस साइड है ये लास्ट में साइड भी बनेगा इस तरीके से आपका इस तरीके देखो कोना इधर है तो भाई साहब उधर कोना जाएगा ठीक है ना देखते हैं इसमें देखिए सेम इन्होंने कोना कर दिया इसका मतलब ये भी गलत हो गया अब आपके पास दो हैं देखिए यहाँ से दो हैं

एक बारी सभी लोग सेशन को शेयर जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और आपको भी मजा आए थोड़ा सा लॉजिक हो आपके सब समझ में आए आपके सब समझ में आए आपको ये चाहिए नहीं यही तो चाहिए अब आपको देखो आ, मैं अभी से देखो एक दो दिन के लिए तो बेटा थोड़ा सा दिक्कत है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो यार एक दो दिन के लिए मैंने देखो ऐसा यार मुझे तब भी मेहनत देखो मैं ऐसे रहूंगा लाइव पढ़ूंगा तब भी मुझे मेहनत लगती है ऐसे पढ़ा रहा हूं तब भी यार मुझे तो उतना काम करना ही है तो आप सोचो तो आपको पढ़ने से काम है भाई क्लियर है आगे बढ़े चलो देखो आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने चलो तो इसमें देखो क्या है तो सर क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा करती घुमाने की अनुमति भाई साहब नहीं है याद रखिए घुमाने की अनुमति नहीं है अब चलो ये वाला बता रहा है कि इसमें किसमें आएगा तो सीधा सीधा ऐसे बना लो देखो ये आपका बन गया ये वाला आपका ऐसे थोड़ा सा बाहर रहेगा ठीक ना उसके बाद ये आपका ऐसे बन जाएगा इस तरीके से है कोई बोलो इस तरीके से भाई साहब है कोई लास्ट में यहाँ से स्टार बनना चाहिए लास्ट में देखो यहां से एक ही तो ऐसा है जिसमें स्टार है देखो ई घुमाने की अनुमति तो है नहीं घुमाने की अनुमति है नहीं तो इसका तो एक ही तो ऐसा देखो डायग्राम वही तो बन रहा है डी वाला है मुझे तो लगता है इसमें कोई टाइम लगना ही ना था कोई तो भाई टाइम लगना ही ना था बताओ सभी लोग टाइम नहीं लगना था ना बताओ टाइम भाई सब इसमें आपको लग रहा है कि लगता नहीं लगता ना बस वही तो देखना भाई सब तो ये सभी मैंने करा चुका है हम ये सभी चैप्टर आपको करा चुके हैं ठीक है भैया नहीं तो आपको लगे कि सर आपने कराया नहीं आप पूछ ही ले रहे हैं ठीक ना तो ऐसा नहीं हमने ये सब चैप्टर करा दिया तो में अगला देखिएगा आप सभी अगले का आंसर करना देखो यहां से क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका क्या है सीटिंग अरेंजमेंट है थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं तो एक बार ये आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ठीक ना एक बार ये अच्छे से पढ़ लीजिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ आप सभी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री है चलिए पढ़िए जल्दी से एक बार अच्छे से क्वेश्चन नंबर थ्री आप देखिए क्या है तो सर छह लड़कियां जे के एल ए बी और सी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में वो बैठी हुई हैं कितने लोग हैं छह लड़कियां किधर हैं मेज के केंद्र की ओर मुंह करके ठीक ना वर्गाकार मेज है ठीक ना वर्ग का आकार का मेज है कितने लोग हैं छे लोग हैं चलो कोई ना चार लड़कियां कोनों पर बैठी हैं और दो वर्गकार मेज की दो विपरीत भुजाओं के मध्य बैठी चलो चार कोने पर बैठी देखो सभी लोग कहाँ है केंद्र की ओर मुंह करके अंदर की ओर हर कोई देख रहा है ठीक ना चार यहाँ पर बैठी है और दो भाई साहब विपरीत भुजाओं पर अगर यहाँ यहाँ बैठा हो या तो यहाँ यहाँ मतलब यहाँ यहाँ बैठा लेते हैं ठीक ना तो आपको यही बताना चलिए एक बारी देखते हैं क्या होता है आएगा बिल्कुल आएगा अगर आप सभी अच्छे से आंसर करोगे तो सब कुछ आएगा बिल्कुल परेशान मत होइएगा ठीक है ना भैया चलो तो देखें यहां से देखो यहां से क्या बोला है एल और सी एक दूसरे के सामने बैठी हैं एल और सी देखिए यहां से एल और सी एक दूसरे के सामने बैठी है। इसका मतलब एल और सी देखिए यहां से एल और सी आमने सामने बैठ गई आगे देखिए क्या बैठा है एल जो है एल जो है ए और बी की सन्निकट पड़ोसन है एल जो है ए और बी की ए और बी की भाई साहब क्या है पड़ोसन है सन्निकट बगल वाली आपकी पड़ोसन है बगल वाली भाई साहब पड़ोसन है ना देखिए ए और बी की देखो ए यहां भी हो सकता है और ए यहां भी हो सकता है बी यहाँ हो सकता है तो बी यहाँ भी हो सकता है दोनों में से इंटरचेंज कर दो अगर ए बैठेगा तो यहां बी यहाँ बी हाँ, बैठेगा तो यहाँ ए इस तरीके से आपका हो रहा है आगे देखिए क्या बोल रहा है सी कोने में नहीं बैठी है सी भाई साहब हाँ हम तो पहले ही बना दिए हैं सी कोने में नहीं बैठी है तो आपसे पूछ गया... अब देखो आपको पता क्या जब ये दोनों हो गए तो आपके दो नाम और बच रहे हैं कौन कौन से बच रहे हैं जे और के जे और के बच रहे हैं इसका यहाँ पर जे होगा तो यहाँ के होगा यहाँ के होगा तो यहाँ भाई साहब जे होगा इसी तरीके से आपसे पूछ कर सी की सन्निकट पड़ोसन कौन है अब सी के सन्निकट पड़ोसन कौन है जे और के है जे और के होने चाहिए आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नहीं बताओ जल्दी से एक बारी हो जाएगा ना नहीं यार बताओ एक बारी सभी लोग यार कमेंट करके अगर नहीं समझ में आते एक बारी आप सभी देख लीजिए एक बारी देख लीजिए नहीं तो अगर ना आया हो तो फिर से मैं आपको बता दें अगर ना आया हो तो फिर से बता दें नहीं तो आगे हम बढ़ें तो आगे बढ़ रहे हैं आप सभी कमेंट ही ना करते हो भाई आप सभी कर ही ना रहे हो नहीं कर रहे हो ना ऐसी कौन सी बात आ गई यार कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी है आपको बताओ जो आप सभी कमेंट ना करते हो बताइए करना चाहिए ना एक बार सभी लोग कमेंट करिए समझ में आए कि नहीं अगर आया है तो एस लिख के एक बारी बताइए आया है तो एस लिख के बताइए जबरदस्त लाजवाब एस 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 जबरदस्त कुछ लोग बोल रहे नहीं आया क्या ऐसा तुम एक बार देखना यार सब कुछ क्लियर है भाई एक बार ये अगर नहीं आया होगा ना तो आप फिर से क्या करना क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना हम वहां से देख लेंगे ठीक है ना आप लाइन कमेंट कर देना चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर फोर आप सबके सामने देखना यहां से क्या हो रहा है इसमें एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्वेर को सिक्सटी लिखता है किसको लिख रहा है देखो आपको एक तरीका बता देंगे टी ओ आई आर ठीक ना ट्वेल्व को क्या लिख रहा है बोले सर सिक्सटी टू तो अगर ये जब आपको नंबर ज्यादा दे दे तो आप सभी को पता है क्या करना सिर्फ ये करना कि इन्होंने प्लेस वैल्यू का कुछ खेल किया किसका किया है प्लेस वैल्यू का कुछ खेल किया है ठीक ना देखो यहां से ये होता है बीस ये होता है पंद्रह ये होता है नौ ये होता है अठारह अब देखो एक बारी जोड़ते हैं देखो कुछ आपका मिलता है क्या स तीस पांच पैंतीस दस पैंतालीस दस पचपन पांच आथ पांच साठ बासठ जोड़ने पर बासठ हो रहा है क्या देखो नौ आठ सत्रह पांच बाईस बाईस का दो हो गया दो हो गया दो कैरी आपका आया है देखिए दो एक तीन एक चार 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 दो छ हो गया बासठ मिल गया ना इसका मतलब इन्होंने प्लेस वैल्यू को भाई साहब क्या करें जोड़े हुए हैं कुछ ना किए सिर्फ प्लेस वैल्यू को जोड़े हुए हैं तो आप भी जोड़ दो भाई ठीक ना जी ए वाई एल यहां इन्होंने लिखा है ये सात होता, 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 होता है ठीक ना बारह बीस चालीस बीस, बीस, पांच पैंतालीस का फोर्टी फाइव बोले सर बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी पे ऑप्शन नंबर सी पे ना तो इसमें कुछ ना करना था सिर्फ प्लेस वैल्यू को भाई साहब इन्होंने जोड़ लिया था सबको जोड़ लिया था ना बताना हाँ बिल्कुल सभी का सही जबरदस्त चलिए अगला देख, देखते हैं बढ़ते हैं अगले वाले पे क्वेश्चन नंबर फाइव आप सभी के सामने चलो यहां से एक बार बताओ क्या आंसर आना चाहिए क्या आंसर आना चाहिए देखो यहां से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है घूर्णन की अनुमति नहीं है याद रखिएगा ये वाला डायग्राम ये डायग्राम ठीक है ये आपका डायग्राम किस में छुपा हुआ है और घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी ना है भाई साहब चलो बताओ जल्दी से एक बारी बताइए एक बारी देखो अगर हम इसकी बात करें चलो यहां से बात करें ये आपका मैच किया ये आपका मैच किया ठीक ना ये आपका चलो यहां से मैच किया ये मैच किया लेकिन भाई साहब ये वाला पॉइंट ना मैच किया इसका मतलब गलत हो गया इसमें देखो चलो ये वाला मैच किया ये मैच किया ये मैच किया लेकिन ये देखो लास्ट तक ना आ रहा है इसका मतलब ये भी गलत हो गया देखो लास्ट तक हमको लेके चलना इसमें तो है ही ना लेकिन इसमें है देखो यहाँ से इस तरीके से देखो यार ये आपका मैच किया मैच किया ना देखो यहां से मैच कर गया इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर है ना सभी का सभी का क्लियर है ना बच्चे, बताओ एक बारी सभी लोगों का क्लियर है कि नहीं है ना क्लियर चलिए बताइए एक बारी सभी का क्लियर है ना तो चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं क्या आंसर होता है यहां क्वेश्चन नंबर सिक्स आप सभी के सामने दो कथन और उनके बाद दो तर्क कहने के तो सिलौक से आपका बिल्कुल आप परेशान नहीं होना है और इसका आंसर करना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए इसके आप सभी को बताना क्या आंसर आएगा चलिए तो बताइए क्या आंसर आएगा आंसर बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स दो कथन और उनके बाद एक और दो से संख्यांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं यह मानते हुए कि दिए गए कथन सत्य हैं भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो बताइए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुपालन करते हैं कथन दिया गया आपको निष्कर्ष दो दिए गए हैं ऑप्शन आप आपके इसके बाद में चलिए एक बार कोशिश करिए आप सभी हाँ बिल्कुल सभी लोगों का आंसर आ रहा है लेकिन देखो ध्यान से करिएगा सभी लोग ध्यान से आंसर करिए क्या होना चाहिए इसमें बताइए क्या होना चाहिए चलिए अरे भाई साहब सभी पुस्तकें पेन है सभी पुस्तक क्या है भाई साहब पेन है जिसका सही सही होगा ना वो मैच करेगा जिसका गलत होगा वो सीखेगा और सभी पेन क्या है पेंसिल है

क्वेश्चन आपका ऑप्शन आप इसके बाद है तो चलो बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेवन आप सभी के पास है कथन दिया गया आपका निष्कर्ष दिया गया है कुछ दांत नाक है ऐसे बनाओ देखो कुछ दांत वाला पोर्शन कुछ दांत क्या बोला है? कि नाक है कुछ नाक क्या है हाथ है हाथ है और कुछ हाथ क्या है पैर है कुछ हाथ आपके पैर है इस तरीके से मैंने आपकी प्रैक्टिस भी कराई है इस तरीके से मैंने आपकी प्रैक्टिस भी कराई बस इसमें याद ये रखना जब दो सर्कल आपस में टच ना करेंगे तो आप कंक्लूजन बोलोगे कि सर मुझे पता नहीं है कांड से अब देखो ऐसे ही पूछा होगा कुछ दांत पैर हैं कुछ दांत पैर हैं आपस में कोई टच नहीं आप बोलेंगे सर मुझे तो पता नहीं है मतलब कांड से कांड से आगे देखिए सभी हाथ नाक है सभी हाथ देखिए आपको पता है कुछ हाथ नाक है ये बोला सभी है मतलब भाई साहब ये गलत बोला क्योंकि आपको पता है कुछ लोग जाते हैं बोला सभी लोग जाते हैं गलत बोल रहा है यहां से आप बोलेंगे सर दोनों आपका गलत है क्या है, डियर आपका यहां से दोनों गलत है कहीं पर है ऐसा जो कि दोनों गलत हो बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है ना तो पहला सही है ना तो भाई साहब दूसरा अनुसरण करता है इसका मतलब क्या बोलते हैं दोनों गलत क्या मतलब होता है इसका दोनों गलत है, है ना क्लियर है क्लियर चलो नेक्स्ट वाले देखते हैं क्या आंसर आता है इसमें एक बारी कोशिश करिए और आंसर बताइए आंसर बताओ सभी लोग क्या होगा ये प्रश्न आजक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा प्रश्न आजक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा आपको यही बताना है ठीक है ना बताइए एक बारी आप सभी बताइए क्या आएगा अरे भाई साहब कुछ मिला के डिफरेंस करिए ठीक ना देखिए यहां से सत्रह जीरो तीन है सोलह अड़सठ है सोलह तैतीस है पंद्रह अट्ठानबे है पंद्रह तिरसठ है ठीक ना पंद्रह तिरसठ आगे आपको बताना रहेगा यहाँ पर क्या आएगा एक बार देखते हैं क्या होता है क्या मिलता बस आपको जब तक आप कोशिश ना करोगे तब तक तो भाई साहब कौन सा बताइए आपको जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप कैसे बता सकते हैं कि सर ये हो नहीं पाएगा भाई डिफरेंस तो करिए बच्चा देखते हैं यहाँ से आठ में से तीन गया बोले सर इसका डिफरेंस क्या होगा पाँच होगा और यहाँ से देखिए पाँच हो गया पाँच में जीरो हो गया पाँच हो गया बिल्कुल यहां से देखिए देखिए तेरह में से, 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 से आठ गया पांच हो गया और यहां नौ में से छह गया अरे भाई साहब देखिए नौ में से कितना गया तेरह में से आठ गया पांच हो गया और यहां से दस नौ हो गया नौ में से छह गया तीन हो गया पैंतीस हो गया बिल्कुल आपका जीरो ना यह हो गया पैंतीस प्लस का पैंतीस इसमें देखिए आठ में से तीन गया बोले सर पांच हुआ छह में से तीन गया बोले सर तीन हुआ सोलह सोलह कैंसिल हो गया इसका मतलब प्लस का पैंतीस इसमें देखना क्या है तेरह में से आठ गया बोले सिर्फ पांच होगा यहाँ से बारह में से नौ हो गया तीन हो गया बस पंद्रह से पंद्रह कैंसिल प्लस का थर्टी फाइव इसमें देखिए आठ में से तीन गया पांच होगा नौ में से छह गया तीन होगा मतलब ये भी पैंतीस होगा कहने का दो सभी में प्लस पैंतीस पैंतीस किया ठीक ना प्लस क्या पैंतीस से देखो माइनस में जा रहा भाई अरे क्या कर रहे माइनस जा रहा हो है। माइनस जरा ये आपका देखो माइनस है माइनस में जाएगा ठीक ना माइनस करोगे तभी तो आएगा देखो यहां इस से इसमें से माइनस करो ये आएगा माइनस माइनस करिए आप भी करिए पंद्रह माइनस का पैंतीस करिए देखो क्या आ जाएगा तेरह में से आप पांच गया बोले सर आठ होगा यहां से पांच में से तीन गया बोले सर दो होगा पांच हो गया एक होगा पंद्रह सो अट्ठाइस है कहीं पर बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पे पंद्रह सो अट्ठाइस एकदम भाई साहब देख रहा हो है दिख रहा है ना सभी लोग बताइए दिख रहा है कि नहीं पंद्रह अट्ठाईस है ना भाई तो चलो एक बारी बताओ सभी लोग क्या होना चाहिए इसमें पंद्रह सो सभी माइनस माइनस पैंतीस किया ठीक ना थर्टी फाइव चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने है आप सभी एक बार सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए चलिए बताइए इसमें क्या होना चाहिए बोल कर क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए यहाँ से दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा यहाँ पर बताना क्या आएगा आपको यही बताना है तो चलिए एक बारी कोशिश करिए आंसर बताइए क्या आएगा देखो यहाँ से अब देखो कुछ ना करना देखो यहाँ से बारह देखो इसकी वैल्यू बारह होती बारह माइनस तीन किया तो नौ हो गया तीन किया माइनस में नौ में से तीन गया तो भाई साहब क्या हो गया छे हो गया तीन घटाया छह में से तीन गया तो तीन हो गया आपका तीन घटाया तीन तो स्टार्ट तो है एक नहीं इसका मतलब ये गलत हो गया हो भाई साहब गलत हो गया आगे देखो क्या होता है ए से वाई किए ए गया जेड गया माइनस का दो किए पच्चीस में से तेईस कर दिया मतलब माइनस का दो इक्कीस दो तेईस मतलब माइनस का दो फिर आगे क्या होगा उन्नीस होगा उन्नीस का मतलब बोले सर एस होगा माइनस का दो सभी में किया बीच वाले में जेड के बाद एस होना चाहिए आपका ये हो गया गलत हो गया क्योंकि जेड के बाद एस आपके ये दोनों है ठीक है चलो आगे देखते हैं अच्छा मुझे लास्ट वाला हम चेक कर लिए होते तो आपका सही हो जाता है यहां से लास्ट वाला अगर हम चेक कर लिए होते भाई तो इसमें सही हो जाता चलो कोई ना देखते हैं देखो P Q R S आपका बढ़ते हुए जा रहा देखो 19 में से ग्यारह 18 17 16 15 होना चाहिए इसका मतलब O होना चाहिए यहां से O होना चाहिए देखो एक बारी तीन घटाया फिर एक बारी माइनस दो किया फिर एक बारी माइनस एक किया यही इनका लॉजिक है यही लॉजिक है बोले सर यहां से ओ आना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है ना सभी का बताओ यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाई ना चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन नंबर टेन आप सभी के सामने चलो एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर टेन चलिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए चलिए यहां से देखते हैं अच्छा पूछा क्या देखिए यहां से दिस इज माई ब्रदर इस तरीके से लिखा है दैट इज माई डॉग इस तरीके से लिखा और दिस इज योर फादर इस तरीके से लिखा तो आपसे पूछ रहा है ब्रदर का कोड क्या होगा अच्छा ब्रदर कहा है इसमें है अच्छा तो दिस इज माई को हमको हटाना है दिस इज माई ना देखिए यहां से अच्छा इज माई इसमें है इज माई इसमें है और देखिए यहां से इज माई इसमें इजमाई इसमें है अब इस दोनों में से क्या कामन है दो कामन होने चाहिए देखो जेड एस कामन है जेड एस कामन हो गया आगे देखो क्या कामन है पी टी अच्छा यहां देखिए ये भी आपका कामन है यू बी यू बी इसका मतलब इज माई में से आप अभी क्लियर नहीं कर आ, अगर हम बात करें कि क्या कोड होगा तो इज का भाई साहब क्या कोड होगा यू बी होगा इज का कोड क्या होगा अगर आप जानना चाहिए तो यू बी होगा और यहां से किसका माई का कोड क्या होगा माई का कोड होगा भाई साहब जेड एस होगा अब आपके पास देखिए क्या बचा है जमाई हो गया ना अब दिस का कोड क्या होगा अब इसमें देखिए दिस आपका यहाँ है दिस हो गया यहां से आपका दिस है इन दोनों में देखिए कामन क्या है बी ओ एम एन बोले सर बी ओ कामन है इसमें से बी ओ इसमें से कामन है इसका मतलब दिस का कोड क्या हो जाएगा दिस का कोड हो जाएगा बी ओ इस तरीके से हो जाएगा अब देखिए इसमें बचा क्या है बचा बोले सर ब्रदर है और इसमें क्या बचा एम एन इसका मतलब ब्रदर का कोड क्या हो जाएगा एम एन ऑप्शन नंबर डी वाला कितने लोगों का क्लियर हुआ या कितने लोगों को समझ में आया बताओ रे भाई कितने लोगों को समझ में आ गया आ गया ना समझ में चलो तो नेक्स्ट वाला देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर अलेवन बताओ जल्दी से आप सभी एक बारी कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसमें बताइए एक बारी क्या होना चाहिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित जैसे ये भाई साहब संबंधित है आपस में ये आपस में संबंधित तो ऐसे कौन सा एबीसीडी चारों ऑप्शन में से आपस में संबंधित होगा एक बार कमेंट करिए और आंसर बताइए फटाफट कमेंट करिए आप सभी क्या आंसर आएगा सभी के आंसर आने चाहिए हाँ बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं लेकिन भाई साहब थोड़ा सा मिस कर रहे हो आंसर बताइए फटाफट आया किसी का सब बड़ा गलती कर रहे हो यार तुम लोग कुछ ना करना है भाई बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक ना थोड़ा सा ध्यान देना देखो कैसे अच्छा इसको उठाते देखो इसको उठाते देखो पंद्रह लिखा है एक सौ पैंतीस लिखा है फिर आगे छः लिखा है ठीक ना तो पंद्रह गुने देखिए इसको गुणा करना देखो पंद्रह गुणा करना है किससे आपस में इन दोनों का डिफरेंस देखिए पंद्रह माइनस छः कितना हो गया बोले सर पंद्रह गुणा पंद्रह माइनस छः गया तो नौ हो गया पंद्रह नौ कितना हो गया बोले सर बीच वाला गया। आ गया आ ना एक बोले सर बिल्कुल इसका देखिए ऐसे बारह गुणा कितना होगा बारह सत्य देखो घटाएंगे इसको इसको तो उसी तरीके से देखो भाई। क्या करना है देखिए में करना है देखो एक एक को हटाओ देखो यहां से देखो, सत्रह लिखा इसको घटाएंगे दस हो जाएगा सत्रह दस सत्तर होना चाहिए पैंसठ लिखा है इसका मतलब गलत है आगे देखिए चौबीस अट्ठारह छे होना चाहिए मतलब चौबीस गुना छह होना चाहिए छह चौको चौबीस लास्ट में चार आना चाहिए इन्होंने एक सौ पैंतालीस करना है नौ इसमें कितना गया 6 हो गया छा छ चौवन होगा ये भी आपका गलत हो गया तो बचा कौन सा यही वाला आपका बचा देखो एक बारी चेक कर लेते हैं इक्कीस तीन सौ पंद्रह आगे छह ठीक ना देखिए यहां से इक्कीस गुना कितना हो गया पंद्रह छ इक्कीस ना बोले सर पंद्रह देखिए यहां से पंद्रह के पंद्रह के पांच पंद्रह तीस एक इकतीस तीस एक इकतीस बिल्कुल मिल गया तीन सौ पंद्रह तो आपका ऑप्शन आप नंबर नंबर फर्स्ट इस फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑप्शन होगा ना आप बिल्कुल लाजवाब जिंदाबाद जबरदस्त भैया सुप चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे भाई साहब दूसरा अक्षर पहले से संबंधित है और चौथा वाला संबंधित है और चौथा अक्षर अच्छा समूह तीसरे से संबंधित है आपको बताना क्वेश्चन मार्क किससे संबंधित होगा बताइए जल्दी से एक बारी एक बारी आप सभी बताइए क्या आंसर होगा बारी बताओ क्या आंसर होगा बताइए सभी लोग बताओ क्या आंसर आएगा बताइए सभी लोग सभी लोग बताओ देखो लेबल का क्वेश्चन है भाई साहब लेबल का है याद रखिएगा लेबल का क्वेश्चन है चलो देखें आसे सभी में देखो यहां से लास्ट तो देखो ओ अच्छा देखो सभी का पहला देखो एक बार पता है इसमें क्या किया है ए सी डी ए सी टी के सी डी में लिखा के सी डी में लिखा है ठीक ना अब पता इन्होंने इसमें क्या करा प्लस का दस करा इसमें सेम कर दिया सेम मतलब जीरो जोड़ा घटाया है इसमें कितना किया दस बीस दस तीस मतलब इसमें भी कितना किया प्लस का टेन किया प्लस का टेन के देखो बीस से छब्बीस हो जाता प्लस चार बचता तो तभी तो आपका डी आएगा अब इसमें आप बताइए सेम उसी तरीके से देखिए दस जोड़ोगे पंद्रह पंद्रह का मतलब ओ यहां से पच्चीस मतलब आपका वाई वाई तो सेम रहेगा क्योंकि बीच वाला भाई सेम है अब इसमें देखिए आपका पाँच है जोड़ोगे मतलब ओ आई ओ ओ आई ओ।, ओ बोले तो ऑप्शन सा नंबर सर डी वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ही तो होगा बच्चा कि कुछ और होगा कमेंट करके बताओ कुछ और होगा क्या आप सभी लोग बोलते का है ना हो यार क्यों ना बोलते भाई चलो अगला वाला देखते हैं तो सेम वही क्वेश्चन देखो कोडिंग रिकोडिंग का फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन एक निश्चित कुट भाषा में मूड सॉफ्ट जेल को एट सिक्स फोर के रूप में लिखते हैं जेल इज नॉट हार्ड को पी आर के सी एट थ्री के रूप में लिखा जाता है और हार्ड इज ग्रे मोड को क्या के सी थ्री फोर नाइन के रूप में लिखा जाता है आपको बताना है ग्रे एंड सॉफ्ट का कोड क्या होगा आपको ये बताना है एक बारी कोशिश करते हैं देखिए यहां से एक चीज आप सबसे पहले कैंसिल करिए देखिए जेल यहां से है जेल इसमें है दोनों को कट करिए जेल जेल का यहां से देखिए क्या है इसमें कॉमन बोले सर एट कॉमन है जेल का कोड क्या हो गया एट हो गया आगे देखो अब आपका बच्चा क्या मूड देखो इसको हम गोला में करते हैं देखो मूड इसमें लिखा इसमें भी लिखा अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है सिक्स फोर में से देखिए अब बोले सर फोर इसमें कॉमन है फोर इसमें कॉमन इसका मतलब बोले सर सॉफ्ट का कोड क्या हो जाएगा सिक्स सॉफ्ट तो का कोड क्या हो गया सिक्स हो गया जिसमें सिक्स ना हो उसको हटाओ ये आपका गलत हो गया सिक्स नहीं है ये भी आपका गलत हो गया सिक्स नहीं है आगे देखो ग्रे का कोड बताना है अब देखो ग्रे कहां पर कामन है अच्छा हार्ड है ना देखो देखो इसमें इज है डबल कट करते इज इज हार्ड इज हार्ड हार इसमें है इज हार्ड इसमें है अब इन दोनों में देखिए क्या कामन पी आर के सी थ्री में से दो कामन चाहिए मुझे आप बोले सर के सी कॉमन है के सी कॉमन हो गया और पी आर और थ्री में से बोले सर थ्री कॉमन है थ्री कॉमन हो गया इसमें भी थ्री कॉमन हो गया तो आपका बचा क्या बोले सर इसमें ग्रे बचा है ग्रे का कोड हमको चाहिए नाइन इसका मतलब नाइन सिक्स आपका कोड क्या हो जाएगा नाइन सिक्स कहीं पर है बोले सर बिल्कुल नाइन सिक्स है इसका मतलब ये वाला गलत हो गया ऐसे आपको भाई साहब कोशिश करना होगा ऐसे ही कोशिश करना होगा ठीक ना बेटा ऐसे करेंगे तभी सब कुछ पॉसिबल होगा चलिए अगला बताओ कोडिंग डिकोडिंग का यह भी है कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे प्रश्न आते हैं बहुत सारे प्रश्न आते हैं कोडिंग कोड़िंग डिकोडिंग से एक निश्चित कुट भाषा में दीवार को दरवाजा कहा जाए दरवाजे को खिड़की कहा जाता है खिड़की को छत कहा जाए छत को झरोखा कहा जाए और झरोखा को तल कहा जाए तो कमरे में जाने का रास्ता कौन सा है कमरे में जाने का रास्ता कौन सा है अच्छा कमरे में बताओ रियलिटी में रियलिटी में किससे जाते हो रियलिटी में कमरे में कैसे जाते हो बोले तो सर दरवाजे से जाते हैं दरवाजे से जाते हो ना तो दरवाजे को कहा क्या जाता है दरवाजे को क्या कहते हैं कहीं पर लिखा है दरवाजा को देखो दरवाजे को भाई साहब खिड़की कहते हैं दरवाजे को क्या कहते हैं खिड़की हो जाएगा ना खिड़की बताओ सभी लोग हो जाएगा ना खिड़की बोलिए तो बोलते हैं ना कि खिड़की से आना चोरी से आना चुपके से जाना ऐसे कुछ है भैया तो ये खिड़की वाला मत आइए जाइएगा चलो अगला बताओ जल्दी से इसमें आप सभी को बताना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चलो बताओ जल्दी से एक बारी क्या होना चाहिए दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती अच्छा भाई सब ये इनसे पूछे आपसे किसकी जगह पर क्या आ सकता है हमने जो पढ़ा है वही वाला हमने जो पढ़ा है मतलब फिगर सीरीज फिगर सीरीज जो हमने पढ़ा है वही आपको बताओ सभी लोग क्या होना चाहिए है ना अरे भाई साहब इसमें सिंगल भी था अब देखो इन्होंने वी बना एक ऑनलाइन किया अगले वाले में देखो इस तरीके से था आपने भी बना दिया डबल अब यहां देखिए आपका एक एक हो हो गया दो भी हो गया दो का अगले वाले में तीसर का वी। एक वी हो गया दो भी हो गया आपका तीन भी होना चाहिए देखिए यहां से ये तो आपका देखो बी की तरह से स्टार्ट ही नहीं इस आपका गलत हो गया इसमें भी नीचे से स्टार्ट किया तभी देखो ऊपर से स्टार्ट हो रहा ना अब इसमें देखो कितना भी होना चाहिए एक भी आपका दो आपका तीन होना चाहिए होना चाहिए इसमें देखो एक किया दो किया भाई साहब तीन किया अगला ये फालतू का कर दिया इतना फालतू का कर दिया इसलिए गलत हो गया कौन सा बोले सर बी वाला बच्चा है यही तो बच्चा है डियर बताओ बी वाला ही तो बचेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी आंसर करेंगे इस वाले का आप सभी को आंसर करना है थोड़ा सा टाइम लीजिए थोड़ा सा टाइम लीजिए एक बार लेकिन कोशिश करिए एक बार कोशिश करिए टाइम बेसक लग जाए आपका लेकिन कोशिश करो सभी लोग कोशिश करो एक बारी एक मिनट आपके लिए चांस है एक मिनट का समय आपके पास है आंसर बताइए आंसर बताइए क्या होगा यू मित्र डब्ल्यू एक्स वाई और जेड में से कोई भी दो मित्र समान लंबाई के नहीं है अब सभी लोग अलग अलग हैं ठीक ना बी केवल तीन अन्य मित्रों से लंबा है जेड केवल एक्स से लंबा है U के यू केवल uh, यू डब्ल्यू केवल यू से छोटा है याद कीजिए कि सभी मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा कौन बताइए सभी लोग बताइए कोशिश करिए क्या आंसर आएगा एक मिनट आप सभी का टाइम समाप्त होता है चले आगे देखें काफी लोगों के आंसर आ गए देखो यहां से कैसे स्टार्ट मेन तो आपका काम है स्टार्ट करना कहां से स्टार्ट करोगे देखो एक आपको पता क्या दिया है W जो है केवल भाई साहब यू से छोटा है डब्लू जो है केवल यू से जो देखो डब्लू आपका है केवल भाई साहब यू से छोटा है क्या बोला केवल U से छोटा है केवल भाई साहब यू से छोटा है ठीक ना केवल यू से छोटा है डब्लू केवल यू से छोटा है आगे देखिए और बाकी से यू डब्लू बड़ा है याद रखिएगा बाकी से यू व व व क्या डब्लू बड़ा है एक दो तीन चार पांच छ याद रखिएगा केवल इससे छोटा है आगे देखो जेड केवल एक्स से लंबा है और भाई साहब सबसे छोटा है क्या बोला इन्होंने जेड जो है केवल एक्स से लंबा इसका एक्स यहां पर होना चाहिए तो जेड यहां पर होना चाहिए केवल भाई साहब एक्स से देखो आपका जो बड़ा इधर से लंबा वाले हैं इधर से आपके छोटा वाले हैं ठीक है छोटा ऐसे बोल सकते हैं इनकी तरफ फेस कर दो इनकी तरफ फेस कर दो बस बात खत्म है यहां से ऐसे फेस कर दो ठीक है चलो आगे देखते हैं वी केवल तीन अन्य मित्रों से लंबा तीन लोगों से लंबा है देखो एक हो गया दो हो गया तीन लोगों से लंबा कौन सा बी तीन मित्रों से लंबा है देखो तो एक दो तीन आपके बन गए चार पांच बन गए तो छठा कौन बचा है यू वीडब्लू एक्स वाई बचा ना बोले सर यहाँ से वाई हो जाएगा तो पूछ के रहा सबसे छोटा कौन सा अच्छा सभी मित्रों में तीसरा सबसे छोटा कौन है भाई मुझे तो करना ही नहीं था तो तीसरा सबसे छोटा कौन है बोले सर वाई है कौन है बच्चा बोले तीसरा सबसे छोटा कौन है वाई ही तो है ना बोले सर बिल्कुल वाई है तो यहां से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर बताइए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित कहने का मतलब जैसे ये वाला भाई साहब इससे संबंधित तो ये वाला क्वेश्चन मार्क से तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से चारों विकल्प में से कौन सा होएगा आपको यही कमेंट करके बताना है चलिए एक बताइए सत्रह नंबर आप सभी के सामने अरे भाई साहब कुछ ना करने यार कुछ तो करना ही ना है जी आर ओ कुछ आपको न मिल रहा होगा लॉजिक देखो सात होता है ये अट्ठारह होता है ये पंद्रह होता है ये तेईस होता है इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बार बार आपको याद हो जाए आपको याद हो जाए देखिये नौ होता है ये बीस होता है ये सत्रह होता है पच्चीस होता है अब आपको लॉजिक दिख रहा होगा पता है क्या लॉजिक दिख रहा होगा आपको, आपको दिख रहा है सात में सर दो जोड़ दे तो नौ हो जाएगा अठारह में दो जोड़े तो बीस पंद्रह में दो जोड़े तो सत्रह तेईस में दो जोड़े तो पच्चीस कहने कर के दो सभी में दो दो का सभी में दो दो का किया कि नहीं किया ना भाई आगे देखो आगे देखिए बोले सर मेट लिखा क्या लिखा भाई सर मेट लिखा है अब आप दो दो जोड़िए तेरह दो पंद्रह गया पंद्रह का मतलब ओ एक में दो जोड़ेंगे तीन का मतलब सी ओ के बाद सी होना चाहिए दिखो, दिखो, बार के बार बी कर भाई गलत हो गए ना? ना आगे देखिए टी के बाद दो जोड़ेंगे बीस दो बाईस का मतलब बी हो जाएगा बी हो गया इसका मतलब देखिए यू वाले आपके गलत हो गए ये आपके गलत हो गए अगला देखिए पांच में दो जोड़ेंगे सात का मतलब जी हो जाएगा मतलब ओ सी वी जी देखो एच कर दिया जो तीन जोड़ दिया इसलिए आपका ये गलत हो गया तो आपका बच्चों कौन सा बोले सर बी वाला बचा हुआ है बी वाला बचा हुआ है ना हाँ बिल्कुल एकदम राइट आंसर आप सभी के राइट आंसर है भाई तो एक बारी बताओ समझ में भैया आ, आ रहा है कि नहीं सभी लोग एक बारी कमेंट करके बताओ आ रहा है समझ में आ रहा है ना तो चलो कोई ना इसमें सभी में प्लस का टू किया था ठीक ना चलो अगला देखो बोल रहा नंबर उस विकल्प का चयन किया जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से दूसर का पहला से और चौथा बाईस तीसरा संबंधित है तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा छियासी छिहत्तर छियानवे छियाछ बताइए एक बारी कमेंट करिए और आंसर बताइए कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर एटीन आप सभी के सामने चलिए बताइए अरे कुछ ना करा भाई कुछ तो किया ना इसमें बस आपको थोड़ा सा हैरान परेशान करना चाह रहा है इतना ही तो करना चाह रहा है आपसे देखो यहां से पता क्या किया इन्होंने देखो अच्छे से देखो हम यहां लिख देते हैं आपको समझ में आएगा देखो पंद्रह को छत्तीस लिखा पंद्रह छत्तीस देखो कैसे आएगा आज जब हम गुणा दो कर दे पंद्रह तीस प्लस कर दे गुणा दो प्लस कर दें क्या हो जाएगा छत्तीस इसमें देखिए पच्चीस गुणा दो करें पचास हो जाए गुणा दो प्लस से पचास प्लस छह कितना हो जाएगा बोले सर छप्पन हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आप भी करिए ना पैंतीस गुणा दो सत्तर हो गया सत्तर में छे जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा छिहत्तर बोले तो ऑप्शन से नंबर सेकेंड बोले तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका है ना राइट आंसर गुणा दो प्लस सिक्स किया आगे बढ़े अगला देखते हैं उन्नीस नंबर उन्नीस नंबर देखो क्या होता है इसमें दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं अंकों को नहीं करना अंकों को याद रखिए नहीं करना को परस्पर बदलने की आवश्यकता देखो आपको लाना इक्कीस किन दो नंबरों को आपस में बदला जाना चाहिए ठीक ना किन दो आ, नंबरों को आपस में बदला जाना चाहिए एक बार ये आंसर करिए आप सभी बस आप डिवाइड का मात्र भाग का खेल है किसका खेल है भाग का खेल होगा जहां भी होगा भाग का खेल होगा भाग देखो पूरी तरीके से देखो इनका क्या खेल होता है पहला इनका लॉजिक ये होता है पूरी तरह कट जाए पूरी तरह कटे विभाजित हो अगर बाय द वे पूरी तरह विभाजित नहीं होता तो भाग और गुणा क्या होना चाहिए एक साथ होना चाहिए भाग और गुणा एक साथ होना चाहिए तो एक बार ये आप सभी कोशिश करिए और आंसर बताने की कोशिश करो देखते हैं आपसे दो सौ सोलह और अठारह अगर इसके अठारह रखते हैं अब हमको देखो यार नहीं होगा ये भी गलत पांच और दस से चलो इसको दस कर देंगे तब भी भाई साहब डिवाइड नहीं होगा बोले सर ये भी गलत हो गया तो आपका देखिए अगला देखते हैं क्या होता है और पांच ये बन सकता है भाई साहब अट्ठारह देखो कट जाएगा ना इसकी जगह पे अठारह करिए और पांच की जगह पे अठारह अठारह की जगह पे पांच अब देखो सॉल्व करें देखो क्या होगा अठारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस अठारह दोनों छत्तीस ठीक ना बोले सलाम बिल्कुल दस पचे पचास पचास प्लस देखो तो पहले गुणा कर देना है बाद में वही है क्योंकि यहां से प्लस लगा इसलिए मैंने पहले कर दिया कोई दिक्कत नहीं अट्ठारह अठारह इक्की अट्ठारह अठारह दूना छत्तीस बारह अट्ठारह ब्राह्म अतीस हाँ बीस दस तीस हो गया बिल्कुल बारह हो गया माइनस का इकतालीस करना माइनस का इकतालीस अब देखते हैं एक बारी पचास दस साठ दो बासठ बासठ माइनस इकतालीस देखिए सिक्सटी टू माइनस फोर्टी वन दो में से एक गया एक हो गया छह में से चार गया दो हो गया बिल्कुल आपका इक्कीस आ रहा है क्या बोले सर बिल्कुल इक्कीस आ रहा है इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा देखो आप देख भी भाई साहब आंसर कर सकते हो देख के भी आंसर कर सकते हो ठीक ना भैया चले अगला चलो अगला देखते हैं क्या होता है जो आप चाहेंगे वही होगा यहां से देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्लस और किस को देखिए प्लस और माइनस को बदल दिया जाए और साथ ही गुणा और इस पॉइंट को बदल दिया जाए पॉइंट नहीं है भाई साहब भाग है भाग है भाग भाग को आपस में बदल दिया जाए तो बताना कि आंसर क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा देखो प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर देखो इसके यहां पे माइनस करिए इसके यहां पे प्लस करिए गुणा की जगह पे भाग करिए भाग की जगह पे भाई साहब गुणा करिए बस इतना सा करना था भाई एक बार बताओ ये बताइए क्या आंसर आएगा आंसर बताइए क्या आएगा आंसर बताओ क्या होना चाहिए आगे बढ़े टी बताओ अब देखो भाई साहब यही तो सॉल्व कर दो देखो पांचों को बीस हुआ चार हुआ प्लस का दस माइनस का पांच दूना दस ये तो करना देखिए माइनस से देखिए प्लस माँच दस माइनस दस कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या चार बचा प्लस में बस बात खत्म चार ही तो बचा भाई चलो नेक्स्ट में पढ़ते हैं क्या है इक्कीस नंबर अरे भाई साहब ये तो आपको कागज मोड़ना काटना ला दिया कागज मोड़ना काटना चलो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए एबीसीडी कौन सा आना चाहिए आपको यही बताना है ठीक ना कौन सा आएगा आपको यही कमेंट करना है कागज को मोड़ना काटना है ठीक ना कागज मोड़ना काटना है चलो बताओ सेम यही आपका मैच करेगा इधर से देखिए ये आपका गोला बन गया इधर से आपका ये गोला बन गया ये आपका यहां से गोला बन गया ये यहां से बन जाएगा ये भाई साहब यहां से बनेगा ठीक ना सेम इसी का जस्ट नीचे आपका बनेगा ठीक ना आपका जेस्ट इसी का नीचे बनेगा अरे यार देखो यहाँ से ये बना था यहाँ से ये बनेगा यहाँ से ये बनेगा यहाँ से ये एक आपका ये बड़ा वाला बनेगा ये आपके छोटे छोटे बगल वाले दो छोटे छोटे इधर दो छोटे छोटे नीचे भी बनेंगे और दो छोटे छोटे इधर भी बनेंगे देखो इसमें तो भाई साहब ने तीन कर दिया आपके गलत हो गए इसमें, इसमें दो इसमें दो इसमें दो और ऊपर देखो तीन कर दिए ये भी आपके गलत वाले हैं इन्होंने इसमें देखो आधा करा ये भी गलत हो गया तो आपके दो ही ऐसे मतलब एक ही ऐसा ऑप्शन बचा जो कि जिसमें पूरा दिया गया अगर ये वाला एक्टिव नहीं रहोगे ना तो गलती कर जाओगे क्योंकि एक ही इसमें दिया था ऐसा एक ही भैया दिया था आधा ठीक है ना अगर गलती करोगे तो फंस जाओगे गलती करोगे तो भाई साहब फंस जाओगे सी वाला होगा ना हां आप बिल्कुल आपका सी इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर कौन सा आंसर होगा सी वाला होगा चलो अगला देखो चलो इसका आप सभी आंसर बताइए क्या होना चाहिए पांचवें छर समूह से उसी समझ जैसे दूसरा पहले से दूसरा का भाई साहब इससे संबंधित है और इसको देखो कितना बड़ा दे दिया अच्छा ये यहां से ठीक ना इसको इन्होंने दिया के बीच में दो देखो दो के बीच में एक रखना देखो यहां से किस किसके बीच में आता है बोले सर एल एम एन होता है लेकिन चलना है और बीच में क्या हो गया एम हो गया यही वाला हुआ ना देखो यहां से ए किसके बीच में होता है बोले सर छोटा ला इधर बी देखो यहां से क्या हो गया इसके पहले वाला देखो जेड हो गया फिर उसके बाद बी हो गया ऐसे तो बढ़ाया तो बढ़ा है ना आप भी देखिए से क्या होगा ई e किसके किसके किस में में बोले सर एफ एफ और किसके? और जी जी के बीच आएगा ना अच्छा इसके पहले वाला लेना इसके पहले वाला ना इसके पहले क्या है डी है उसके बाद क्या है एफ है इसका मतलब एफ डी से स्टार्ट होगा देखो ई e गलत हो गया आपके ई गलत हो गए एफ डी हो गया ना आगे देखो बस इसी में देखो थोड़ा सा अंतर है देखो ए को देखो इसमें ऐसे समझ लो बीजेड होना चाहिए ना ए इसमें बी है बीजेड होना चाहिए ए इसमें है तो बीजेड होना चाहिए जेड भी तो होगा ना इसका मतलब ये गलत हो गया हमको क्या चाहिए बीजेड चाहिए इसका मतलब आपसे नंबर आपका ए वाला एकदम राइट आंसर होगा ठीक ना ए वाला एकदम आपका राइट आंसर होगा ठीक है भैया चलें बोलिए यहां से इस का ए वाला है क्लियर ना समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तेईस नंबर बताइए आप सभी क्या आपसे पूछ रहा है दी गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा मतलब पर आ सकता है बोलाओ यही बताना फिगर सीरीज है आपका फिगर सीरीज है अरे भाई साहब देखिए इसमें कितना बॉक्स है एक दो तीन बॉक्स इसमें एक दो तीन चार बॉक्स है एक दो तीन चार पांच इसमें पांच बॉक्स इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच छः बॉक्स है अगले वाले में सात बॉक्स होना चाहिए देखिए से देखते हैं एक दो तीन चार पांच पांच बॉक्स हो गया तीन चार पाँच छ हुआ आपका ये भी गलत हमको सात चाहिए ना भाई सात चाहिए तीन चार पाँच छह सात चाहिए इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छे छे ये भी आपका गलत हो गया एक दो तीन चार पाँच छह सात सात ना ये आपका सात हो गया इसमें देखो एक हो गया आपका दो हो गया तीन चार पांच छह सात इसमें सात हो गया इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा ऐसे तो कोशिश करना जाता है ना क्योंकि आप पढ़ रहे हो भाई साहब रीजनिंग क्या पढ़ते हो आप सभी पढ़ क्या रहे हो रीजनिंग पढ़ रहे हो इसीलिए कहते हैं आप सभी अच्छे से हंड्रेड परसेंट आपका आंसर सही आएगा आएगा ना बताओ कमेंट करके एक बारी सभी लोग बताओ आप तो बिल्कुल बात ना करें आप सभी से सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ठीक ना पूरा का पूरा समझा रहे हैं तो सभी लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए बताओ क्या आंसर होना चाहिए है ना क्लियर है अगर क्लियर है तो भाई साहब एक बार एस लिख के बताइए सभी का आंसर एस में आना चाहिए एक बार सभी लोग कमेंट करिए सभी लोग एक बार कमेंट करिए और एस में बताइए भाई साहब देखो कंटेंट आपको मिल रहा है मैं भी क्लास देख रहा हूं याद रखिए रहेगा कि ये नहीं मतलब चल रही सर क्लास की सर नहीं देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ ये आपको मैं बता हूं। देता हूँ वार्निंग देता हूँ ठीक ना बदतमीजी के साथ कोई कमेंट नहीं ठीक है ना चले आगे हाँ ट्वेंटी फोर देखिए आपसे सीटिंग अरेंजमेंट फिर से पूछ लिया चलो एक बारी कोशिश करो कोशिश करो भाई कोशिश करिए डियर आप सभी कोशिश करिए कोशिश करिए आप सभी चलो बताओ चलिए बताइए चलो बनाते भाई साहब आप सभी तो बनाओगे नहीं देखो छह व्यक्ति सुमित अमित सैफ और अनुभव पीयूष एक सीधी में उत्तर की ओर ऊपर की ओर देख रहा भाई ठीक ना कोई ना अच्छा थोड़ा उधर कर दें थोड़ा स्पेस मिल जाए इधर हमको चलिए देखते हैं अगर भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा देखो यहाँ से ऊपर की ओर हर कोई देख रहा है आपके पास कितने लोग हैं छह लोग हैं देखते हैं यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छह बना देते हैं देखो यहाँ से ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसमें बोला कि बैठा कोने पर मतलब किनारे पर चलो तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है अच्छा बोला देखो यहां से ये पॉइंट देखो के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है इसके पीयूष जहां होगा यहां पर ही होगा तभी तो इसके बाएं तभी तो इसके बाएं एक ही व्यक्ति होगा बताना इतना तो क्लियर है ना बोला कि यहां देखो पीयूष के बाई और केवल एक व्यक्ति बैठा है इसका मतलब यहां पर बैठेगा तभी तो बाई केवल एक ही व्यक्ति होगा बोले तो सर बिल्कुल सही है अब ऐसा पॉइंट देखो जिसमें पीयूष की बात किया हो अनुभव साहब के ठीक बाई और बैठा है पीयूष देखो यहां से देखो पीयूष और आशुतोष के बीच केवल एक व्यक्ति है पीयूष और आशुतोष के बीच आशुतोष के बीच कितने लोग बैठे हैं बोले सर एक व्यक्ति बैठा है एक व्यक्ति बैठा है ठीक ना देखते हैं अमित अमित किसी भी अमित नाम है क्या अच्छा अमित अमित किसी भी कोने पर नहीं बैठा इसका मतलब अमित यहां पर बैठेगा नहीं तो आपके पास अमित दो ही जगह पर बैठ सकता है आगे देखते हैं अनुभव सैफ के ठीक बाई और बैठा है अनुभव जो है भाई साहब सैफ के ठीक बाई और अनुभव जो है सैफ के ठीक बाई और अनुभव जो बैठा है सैफ के ठीक बाई और देखो सैफ यहां बैठेगा तभी अनुभव यहां बैठेगा अनुभव जो बैठा है देखो यहां से क्या बोला है सैफ के ठीक बाई और देखो हमारे पास देखो दो ऐसा पॉइंट होना चाहिए था दो ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो पास पास, था पास में हो तो एक ही ऐसा बच रहा था सैफ के ठीक बाई और सैफ के ठीक बाई और कौन बैठा है अनुभव बैठा है ये आपका हो गया बोला है कि अमित किसी भी कोने पर नहीं बैठा इसका इसके अंदर यहां पर बैठेगा अमिस आपका बैठ गया आगे देखो बचा कौन है बच्चा कौन है भाई सुमित सुमित बचे हैं भाई साहब ये हो गए आपके सुमित जी आपके सुमित जी हो गए तो चलिए यहाँ तक क्लियर है ना आप सभी का ना सुमित पीयूष अमित आशुतोष अनुभव साहब क्लियर है ना पूछ गा आशतोष को ठीक बाई और कौन बैठा आशुतोष के ठीक बाई और आशुतोष ऊपर की ओर देख रहा ठीक बाई और कौन है बोले सर अमित है अमित है कहीं पर बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर कौन सा बोले सर सी है है ना आप नंबर बोले तो सर बिल्कुल सी है चलो तो नेक्स्ट वाला देखें क्या है चलो तो नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई पच्चीस नंबर बोला निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती इसकी है इसकी यहां पर बताना कौन सी संख्या आ सकती 819, 29, 40, 852। है आठ सौ उन्नीस उन्तीस छियालीस आठ सौ बावन देखते हैं से कितने का जोड़ किया इन्होंने दस का जोड़ किया आगे देखिए उन्तीस तीस दस चालीस प्लस का ग्यारह किया आगे देखिए दस पचास दो बावन प्लस का बारह किया देखो तो एक चीज पता है मैच मैच करा दस ग्यारह बारह आगे क्या होना चाहिए तेरह होना चाहिए बस कुछ ना करिए आठ सौ बावन में भाई साहब तेरह जोड़ दीजिए आपका आंसर होगा तीन दो पांच हो गया पांच एक छ हो गया और आठ हो गया आठ सौ पैंसठ है कहीं पर बोले सर बिल्कुल आप सौ आठ सौ पैंसठ ऑप्शन नंबर डी पे एकदम भाई साहब दिख रहा हो आठ सौ पैंसठ दिख रहे हो ना बोले सर बिल्कुल आपका आठ सौ पैंसठ भाई साहब दिख रहा है

अगर याद रखो ठीक है जो लोग क्लास में नए हो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास क्योंकि एग्जाम एक, एक नहीं है लाखों लोग देंगे कमेंट भी करिए कमेंट भी करिए बताइए क्लास कैसी लगी अच्छी लगी कि नहीं लगी और हमको क्या करना चाहिए और ज्यादा बेटर ठीक ना तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत